फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में अवैध रूप से चल रहे तेल चोरी के कारोबार पर मुखबिर की सूचना पर उप जिला अधिकारी टूंडला बूसरा वालों ने गांव मोहम्मदाबाद में टीम के साथ छापामार कार्यवाही की। उप जिला अधिकारी को देखते ही साथी लोग भाग खड़े हुए, जिसमें से एक व्यक्ति को टीम ने पकड़ लिया। सूचना के बाद टूंडला थाना अध्यक्ष विनय मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं एसडीएम ने मौके से 1400 लीटर टैंकर से अवैध रूप से निकाले गए तेल को भी बरामद किया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यहां गोरख धंधा कई महीनों से फल फूल रहा था। मुखबिर की सूचना पर उप जिला अधिकारी ने ये छापेमार कार्यवाही की है। आज मुझे इनफैक्ट कल सूचना मिली थी, तो कल मैं ट्रेनिंग पे बाहर थी, तो आज सूचना मिली कि एक ट्रक आ गया है और उससे तेल निकाला जा रहा है। तो हमें उन्होंने लोकेशन बताई और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे 4 लड़के ऊपर थे और 2 लड़के बाहर थे। एकदम से वो हमें देख के भागने लगे और एक लड़के को हमने पकड़ लिया। उतनी देर में ये भागे हैं तो बहुत सारा तेल यहाँ पे गिर गया। 1470 लीटर बाहर तेल है और ये लगभग 4500 लीटर का टैंकर है, जिसे खोला गया और उसे काटा जाता है और काट के उसे थोड़ा तेल निकाल लिया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। अब हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? एक लड़के को हमने पकड़ लिया। अभी प्राइमरी फेस ही पता चला है कि वो वेल्डिंग करता था इसमें। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये ट्रक? इसके बारे में जानकारी अभी नहीं हो पाई है। गाड़ी के कागज मिल गए हैं उसमें। कितने लोग थे मैडम इसमें? इसमें 4 लोग थे। इसमें एक पकड़ा गया? टोटल ऐसे तो 6 लोग थे, 4 लोग इसके ऊपर थे, 2 लोग बाहर थे, उसमें से एक देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।